कैसे गाने सुनते हो। आपको टेस्ट करा लीजिए, परसों आ जाइए हॉस्पिटल। नमस्ते मैडम। बैठिए, बोलिए। मैडम कल दोपहर से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और वोमिटिंग जैसा भी हो रहा था मुझे। वोमिटिंग हुई आपको? जी नहीं, वोमिटिंग नहीं हुई, लेकिन ये सर दर्द की वजह से मैं ऑफिस से भी घर जल्दी आया, लेकिन रात भर मैं ये तकलीफ की वजह से सो नहीं पाया। मैं कुछ दवाइयाँ आपको लिख के देती हूँ, ले लीजिए, ठीक लगेगा आपको। ये लीजिए। मैडम जी ठीक हो जाऊंगा ना मैं? ठीक हो जाएंगे आप बहुत जल्दी, माइनर एसिडिटी है। थैंक यू मैडम। आइए नेक्स्ट। ओ मिसेस शर्मा बैठिए। थैंक यू। और बोलिए कैसे आना किया? घर में कल पूजा है, उसी का इनविटेशन देने आई थी आपको। पूजा? कल 12 बजे आपको जरूर आना है। जी जरूर, पक्का आऊंगी। बाकी सब कैसे हैं घर में? एकदम बढ़िया है। चलो अब मैं निकलती हूँ, बहुत से कार्ड बांटने हैं मुझे। नेक्स्ट। ओले मिली कट्टू। बहुत थक गई हूँ ले, अभी और काम करने बाकी है। आप तब तक यहाँ बैठिए, मैं तब तक टिफिन निकाल लेती हूँ। अलीफा, आज गट्टू के लिए गिफ्ट आया है। कैसा है? मस्त है ना? अब इसे कहाँ रखे? वहां रखते हैं। सेम सॉन्ग, ये तो कल का ही आदमी है ना? कितना अजीब देख रहा है। क्या हुआ बेटा? अरे बेटा क्या हुआ है आपको? मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा तो आपको भूख लगी है, बेटा आप रहते कहाँ हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए प्लीज। ठीक है, हम आपको खाना देते हैं। ये आप ही के लिए है। मस्त है दीदी। अच्छा खाना बनाती हूँ। थैंक यू। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अस्मी है। अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है आपका। बेटा आप रहते कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, दरवाजा बंद कर दिया।
विठलवाड़ी है ना, वहाँ गणेश जी का मंदिर है, बस वही मेरा घर है। अच्छा, दीदी आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, क्या आप मुझे रोज खाना खिलाओगे? पक्का खिलाऊंगी। ठीक है, मुझे अभी लेट हो रहा है। चलो बाय। दीदी आप मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं आपसे कल फिर मिलूंगी। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं आपको कुछ और दूंगी। बहुत प्यारी बच्ची है। सुनो मुझे लेट हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ, बट आप भी यहाँ मत रुकना, ठीक है ना? हेलो बाय। एक ही बात कितनी बार पूछेंगे आप? अरे मैंने आपको कल ही कहा था ना, पहले आप टेस्ट करवा लीजिए, फिर रिपोर्ट्स लेकर यहाँ आइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम जी, कल दोपहर से मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। आप तो कल भी आए थे ना? नहीं मैडम, मैं तो आज ही पहली बार आया हूँ आपके हॉस्पिटल। अरे नहीं, आप कल भी आए थे और मैंने कल आपको दवाइयाँ भी लिख के दी थी। नहीं मैडम, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे लगता है आपके कुछ गलतफहमी हुई है, झूठ क्यों, शायद कोई और होंगे। मैडम कल दोपहर से मेरा ऑफिस में बहुत सिर दर्द कर रहा था और वोमिटिंग जैसा भी हो रहा था। मुझे तो ये आदमी पागल लग रहा है, या तो इसकी नीयत में खोट है। ओके ठीक है, थैंक यू मैडम। हेलो मिस नीता। ओह मिसेस शर्मा, आइए बैठिए ना। मिसेस शर्मा मैं भूली नहीं हूँ, बस एक घंटे बाद मैं निकलने वाली थी आपके घर पूजा के लिए। अरे आपको पता चल गया कल पूजा है? मतलब कल आप ही ने तो बताया था ना कि आपके घर पूजा है। पूजा तो है लेकिन मैंने नहीं बताया था। ये कार्ड कल, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब कल हो चुका है। चलो मैं चलती हूँ, अब मुझे बहुत से कार्ड बांटने हैं, तो आप जरूर आइए। ओके बाय मिस नीता। कल ही आई थी, ये कार्ड जरूर होगा मेरे पास, इसमें भी नहीं है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कल हो चुका है? नेक्स्ट। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। कट्टू एक बात बताओ, आज मेरे साथ कुछ अजीब ही हुआ, पता नहीं क्या था। एनीवेज जो भी था, लीव इट, गुड नाइट। Yeah.
फिर से वही न्यूज़पेपर। किसे बताऊं मैं ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? वही आदमी, वही गाना, वही न्यूज़पेपर बार बार रिपीट हो रहा है। ये सब क्या है? किससे पूछूं? पता नहीं आज क्लिनिक में क्या होगा, क्या आज फिर वही सारे पेशेंट्स फिर से रिपीट होंगे? ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं? बहुत डर लग रहा है मुझे। किससे पूछूं मैं? किसी को तो बताना चाहिए, बट कैसे बताऊं? अरे क्या लगा रखा है आपने? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं आप। आपको कहा था ना चेकअप करके सीधे रिपोर्ट्स लेके यहाँ आइए। अजीब इंसान है। दीदी आज आप मुझे चॉकलेट नहीं दोगे? बेटा मैं चॉकलेट लाना भूल गई हूँ, कल मैं पक्का ले आती हूँ आपके लिए चॉकलेट। पक्का ना? पक्का। ठीक है बाय। मैं नहीं जाऊंगी क्लिनिक में। तीन दिन से लगातार सब कुछ रिपीट हो रहा है। न्यूज़पेपर सब कुछ रिपीट हो रहा है। वही लोग, वही सब। ये कब से स्टार्ट हुआ मेरी लाइफ में? कहीं ये घड़ी तो इसका कारण नहीं है? मैं इसे घर में नहीं रखूंगी, मैं इसे फेंक देती हूं।
लेकिन मैं ये घड़ी भी मेरे घर में नहीं रखूंगी। ये फेंक के सब ठीक हो जाए। के कारण ही सब हो रहा था। आपके बाकी सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, बस ये टेस्ट करवा लीजिए आप। ओके मैम, मैं आता हूँ। मतलब वो घड़ी ही कारण थी। थैंक गॉड मैंने वो घड़ी फेंक दी, सब कुछ ठीक हो गया। आज मैं अस्मी से नहीं मिली, कितनी प्यारी बच्ची है अस्मी, वो मुझे कल जरूर मिलेगी। चॉकलेट भी लाना है मुझे, उसने चॉकलेट के लिए कहा था। ओह माय गॉड, अस्मी के हाथ में भी सेम घड़ी, शायद अस्मी की जान खतरे में है, लेकिन मैं उसे ढूंढूं कहाँ? उसने वो विठलवाड़ी है ना, वहाँ गणेश जी का मंदिर है, बस वही मेरा घर है। भैया एक मिनट, यहाँ एक अस्मी नाम की लड़की रहती है, वो कहाँ रहती है? यहाँ तो कोई अस्मी, कहीं आप उसी अस्मी की तो बात नहीं कर रहे? एक मिनट, मेरे पास उसकी फोटो है, मैं दिखाती हूँ। क्या हुआ भैया? मैडम जी, ये अस्मी यहीं रहती थी अपनी सौतेली माँ के साथ। ये क्या कर रही है? ऐसे पोछा लगाते हैं? वो देख वहां पे कचरा पड़ा है, अच्छे से साफ कर। एक काम ढंग से नहीं करती, हमेशा उस घड़ी के साथ खेलती रहती है।
देखो किटी, तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई करो, मैं फटाफट अपना काम निपटा के आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? जब देखो तब इस घड़ी के साथ लगी रहती है, ये काम कौन निपटाएगा? घड़ी में देख कितने बजे है, स्कूल नहीं जाना? अभी पहले फटाफट काम निपटा फिर स्कूल जा। हाँ, आज तुझे टिफिन नहीं मिलने वाला है, समझी? मम्मी आ गई तू, क्या है बोल? अरे बोलना जल्दी, सिर पे क्यों खड़ी है? मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है आते ही ठूसने को चाहिए, काम कौन करेगा? बर्तन मारने हैं, झाड़ू लगाना है, पहले वो काम कर, बाद में दूंगी खाना। लेकिन मम्मी मुझे बोला ना, बाद में मिलेगा खाना, पहले काम कर। लेकिन मम्मी मुझसे जबान लड़ाती है, चल अभी बताती मैं तुझे, तुझे कौन देता है खाना, चल यहाँ से। बहुत नाटक करने लगी है आजकल, यार ड्रामा करती है, उठ खाना चाहिए ना तुझे, चल चल तू चल, अभी देती हूँ तुझे खाना, चल चल ड्रामा करती है, उठ चल चल उठ नाटक करती है, उठ चल चल ऊपर नाटक करती है, देखती तुझे कौन देता है यहाँ पे खाना, मर भूखी। मम्मी दरवाजा खोल दो, मम्मी पानी तो दे दो, बहुत प्यास लग रही है, मम्मी बहुत भूख लग रही है, मम्मी सॉरी अब ऐसा नहीं करूंगी। किटी आज अगर हमारे साथ पापा होते तो आज अपने साथ ये नहीं होता। मर गई मैडम जी अस्मी, मार डाला उसे उसकी सौतेली माँ ने, शायद इसीलिए वो आप जैसे लोगों से मिलती रहती है दो पल का प्यार पाने के लिए। चलता हूँ मैडम जी,
मैडम जी, भूल जाइए अस्मी को एक सपना समझकर।